नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। शहर और देहात क्षेत्र की टूटी सड़कें दावों की पोल खोलती हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों पर चलना मुश्किल है। प्रशासन टूटी सड़कें ठीक कराने का दावा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सड़कें ठीक नहीं हो रही। गड्ढे होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। शहर ही नहीं, देहात की सड़कों की हालत बद से बदतर है। आलम यह है कि लोगों को वाहनों से ही नहीं पैदल चलने में भी परेशानी होती है। खासकर संपर्क मार्गों का तो और भी बुरा हाल है। हालांकि सरकार ने गांव में गौरव पथ बनवाकर थोड़ी राहत दी है, लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां सड़कें तक हैं ही नहीं। राजस्थान में टूटी हुई सड़कें और आए दिन होते हादसे, जायजा लिया हमारे संवाददाता इलियास मोहम्मद शेख ने। मैं चित्तौड़गढ़ के पंचवटी बीज गोदाम के पीछे, और यहाँ पर भी काफी हमसे बात करने के लिए लोग हैं। यहाँ पर काफी सड़क की काफी समस्याएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ सरकार कर रही है इस वार्ड में, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम इमरान है, और यहाँ पे 4 साल पहले ये सड़क बनी थी, और उसके बाद अभी तक ये सड़क बनी नहीं है। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी रोड पे खड्डे हैं, जिससे काफ़ी जो है धूल मिट्टी उड़ती रहती है, और ये सड़क पूरी खस्ता हालत है। जहाँ से आने वाले आए दिन वाहन वाले गिर जाते हैं, छोटे मोटे मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिर जाते हैं, जिससे ये काफ़ी परेशानी हमें रहती है। कितना टाइम हो गया सड़क बने? भैया 5 साल पहले ये सड़क बनी थी, उसके बाद अभी तक इस सड़क पे कोई काम मरम्मत भी नहीं हुई है, और ना इस रोड का काम वापस चला है कभी। पिछली सरकार ने बनवाए थे सड़क, उसके बाद अभी तक सड़क का कोई काम ही नहीं हुआ है। जैसी जैसी नाली है, समझ लगा ठसा ठसा हो रही है सफाई की। वार्ड में कितनी जनसंख्या है? वार्ड में तो काफ़ी जनसंख्या, 3000। परेशानी हो रही है, मतलब बच्चा बच्ची भीतर अंदर पढ़ते हैं, बच्चा बच्ची धुड़ा धमासा मिट्टी सब धाम थी हमारे यहाँ, आके देख लो आप। सफाई के नाम की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। पिछली सरकार ने तो काफी मतलब ध्यान दिया था, लेकिन सरकार तो कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है सफाई के बारे में। तो कोई ध्यान नहीं देता है हमारे इस मोहल्ले में, तो काफी हालत खराब है। और दूसरे तो नहीं कह सकते, हमारे मोहल्ले का तो बिल्कुल हालत ही खस्ता आ रही है। हमारे एक बार अगर बस्ती का रोड बहुत खराब हो गया है, जिसमें कोई ध्यान भी नहीं, 4 साल हो गए है, वो ये नाला वाला सब कचरा पट्टा सब पड़ा, साफ सफाई नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये सड़क का यहाँ पर काफ़ी अभाव है, और धूल मिट्टी से लोग परेशान हैं। 4 साल हो गए हैं, सरकार ने सूद नहीं ली इस वार्ड में, जबकि नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 19 आता है। अभी तक सड़क निर्माण नहीं हुआ है, कच्ची सड़क है, यहाँ पर काफ़ी परेशानी है सड़क के लिए। कैमरा पर्सन मुकेश लड्डा के साथ इलियास मोहम्मद, न्यूज़ इंडिया, चित्तौड़गढ़। तो सड़कें किस हद तक बदहाल हैं ये आपने देखा, लोग किस तरीके से परेशान हैं चित्तौड़गढ़ में, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। चलिए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सड़कें जो हैं वो क्या कुछ कहती है। चलिए वो ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो परेशानी है लोग लंबे वक्त से झेल रहे हैं, और कुछ ग्राफिक्स जो हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो प्रदेश में सड़कों की लंबाई है PWD के साथ, सड़क मार्गों की जो लंबाई है प्रदेश में 1 जनवरी 2018 तक की, और उसकी स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नेशनल हाईवे 4423 किलोमीटर सड़क राजस्थान में है, और राज्य मार्ग की अगर बात कर लें तो वो 14695 किलोमीटर है, और ये जो आंकड़े हैं वो 1 जनवरी 2018 तक है के हम आपको दिखा रहे हैं। प्रमुख जिला सड़कें जो हैं वो 7625 किलोमीटर है, और अन्य जिला सड़कें जो हैं वो तकरीबन 15071 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कें जो हैं वो 1,16,465 किलोमीटर हैं, और लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 1 जनवरी 2018 तक के ये आंकड़े हैं। PWD की जो सड़कों की लंबाई के आंकड़े हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 4423 किलोमीटर, राज्य मार्ग जो हैं वो 14695 किलोमीटर, और प्रमुख जिला सड़कों की अगर हम बात कर लें तो वो तकरीबन आ रहे हैं 7600 किलोमीटर के आसपास। अन्य जिला सड़कें जो हैं वो 15071 किलोमीटर हैं।
तो स्थिति हमने आपको आंकड़ों के जरिए दिखाई कि प्रदेश में जो सड़कों की लंबाई है वो क्या कुछ है। टूटी सड़कें एक तरीके से कहें तो राजस्थान में ग्रामीण सड़कें पूरी तरीके से टूटी हैं, राजधानी जयपुर की भी कुछ उसी तरीके की स्थिति दिखती है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चित्तौड़गढ़ में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और दिखाने की कोशिश की कि टूटी सड़कें जो हैं वो चित्तौड़गढ़ का भाग्य हैं और आए दिन यहां सड़क हादसे होते रहते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज हों या फिर राज्य की सड़कें हों, स्टेट हाईवे हों। और जाम लगना ये तो अमूमन अगर हम कहें तो आम समस्या है इस प्रदेश की, और टूटी सड़कें, बदहाल सड़कें जो हैं वो राजस्थान के भाग्य में लिखी गई हों ऐसा माना जाता है। आप किसी भी ज़िले में चले जाएं, ग्रामीण सड़कें ये स्थिति है। कहीं पे अगर हम स्थिति आपको दिखाएं तो ये चित्तौड़गढ़ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात वहाँ बने हैं। इन सड़कों पे आप गाड़ियों से जब चलते हैं तो हादसे होने का डर रहता है, आए दिन सड़क हादसे होने के यहाँ पर डर बने रहते हैं। तो चलिए अब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता बयाना से पंकज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अगर बयाना की हम बात कर ले तो बयाना की सड़कें किस हालत में हैं, वहां की स्थिति क्या कुछ है सड़कों को लेकर? मैं आपको बता दूं, यहाँ की सड़कें बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और यहाँ की मेन सड़क है भगवानवाड़ी वाली रोड, जो इसकी दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। यह मार्ग मुख्यतः मीराना रोड और गांधी चौक के लिए निकलता है। यहाँ सड़क पर काफी गड्ढे हुए हैं जिनमें बरसात के समय काफी पानी भरा रहता है, जिससे दोपहिया वाहन आपस में चोटिल हो जाते हैं और जब स्कूल के बच्चे इस रोड से होकर निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पास से निकल रहे वाहन उनकी ड्रेस को गंदा कर देते हैं, जिससे वो हाथी का पात्र बन जाते हैं और उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें टूटी सड़कों की तो वहां तो आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते होंगे, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनको और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने यहाँ तक भी पोर्टल पर भी शिकायत कर दी और काफी बार प्रशासन को भी लिखित में शिकायत की है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमने मौके पर पार्षद मणि अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि वाकई सड़क की स्थिति बहुत ही नाजुक है। उन्होंने भी काफी बार उच्च अधिकारियों को सूचित किया है पर अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। तो पंकज, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर विभाग जो है पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात कर लें तो इतना उदासीन क्यों है, क्योंकि सड़कें जो हैं उनकी स्थिति देखकर तो इस पर पैदल चलना भी मुश्किल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर हम जब पीडब्ल्यू ऑफिस से हमने बात की तो उन्होंने हमें कनिष्ठ अभियंता करण सिंह का नाम बतलाया, तो उन्होंने मैंने उस मैटर में उनसे बात की तो उन्होंने यही बोला कि जल्द से जल्द मैं समस्या का समाधान करवा दूंगा, हमें कुछ दिन का मौका दीजिए। तो बयाना की स्थिति हमने दिखाई, पंकज ने जो जानकारी दी ये बहुत ही अहम है। संजय दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता कोटा से। संजय, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि कोटा की सड़कों की अगर हम आपसे स्थिति जानना चाहें तो कोटा की सड़कें किस तरीके की हैं, हालात क्या कुछ हैं सड़कों के? सर, देखा जाए तो कोटा की सड़कें भी राज्य की दूसरे सड़कों से अलग नहीं है, और जगह जगह गड्ढों की भरमार, जगह जगह सड़क उखड़ी हुई, वही हालात है जो अभी तक दूसरे जगह की हालात आप बता रहे हैं उससे भी बदतर हालात है कोटा के भी। तो संजय, आखिर वजह क्या है? वजह कहीं न कहीं से गैर जिम्मेदाराना रवैया है अधिकारियों का। होता यह है कई जब मंत्री या कोई आला अधिकारी आते हैं तब सड़कों की मरम्मत की जाती है, उसके बाद उस सड़कों के हालात पूछने वाला कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि कोटा की मुख्य सड़कों के भी यही हालत है। तो ऐसे में लोगों को किस तरीके से परेशानी होते रहती है? संजय देखिए, लोगों की परेशानी का आलम यह है
कि आए दिन सड़क हादसों में गड्ढों की वजह से, टूटी हुई सड़कों की वजह से कहीं कहीं एक घर से कहीं कहीं एक चिराग बुझता है, मगर उसके बाद भी बयान जरूर जारी किया जाता है कि सड़कों की मरम्मत की जाएगी, सड़कों का काम शुरू हुआ करेगा, मगर उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती, किसी तरह से कोई काम नहीं होता और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो विभाग इतना लापरवाह क्यों बना है? क्या तो विभाग कोई बात पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से होती है, उनका कहना क्या कुछ होता है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की स्थिति है और वो खामोश बैठे हैं? सर, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का यही कहना होता है कि हमने टेंडर जारी कर दिया है, आदेश होने वाले, शीघ्र काम शुरू होने वाला है, मगर उसके बावजूद भी कहीं से कोई सुधार की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। मतलब स्थिति यही है कि आप इन सड़कों से गुजरे, आए दिन सड़क हादसे हो और विभाग जो है वो चैन की नींद सो रहा है। बयाना की एक चीज आपसे जानना चाहेंगे पंकज, कि यहाँ के सड़कों की अगर स्थिति जो आपने हमें बताई, तो इसको लेकर के हमने ये भी देखा है कि लोग जो परेशान होते हैं, काफी बार हमने ये देखा है कि लोग सड़कों पे भी उतरे हैं, प्रदर्शन भी किया है, विरोध भी किया है, लेकिन स्थिति वही है। हाँ जी सर, इस बारे में हमने स्थानीय लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि हम हर बार प्रशासन को अवगत कराते हैं पर वो लाग लपेट कर बात को टाल देते हैं, यही बोलते हैं, आश्वासन देकर रह जाते हैं, पर इस अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। होता था यहाँ तक कि ये बारिश के दिनों में इस सड़क पर चलना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। सड़क के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे हो गए जिनमें पानी भरा होने की वजह से पता भी नहीं चल पाता, जिससे दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो जाते हैं। तो स्थिति जो है वो बहुत ही विकट है। मणि अग्रवाल जिस वक्त हमारे साथ हैं, वार्ड सदस्य हैं बयाना के, बहुत बहुत स्वागत है मणि जी आपका न्यूज इंडिया पर। मणि जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी सर। मणि जी, आखिर क्या वजह है कि सड़कों की इतनी बदतर स्थिति है बयाना में कि उस पर पैदल चलना मुश्किल है? सर, कई बार मैंने स्थानीय नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं खुद वार्ड पार्षद हूँ वार्डनामूल, मेरे वार्ड में गौरव पथ का निर्माण हुआ था वसुंधरा राजे जी की सरकार में 2003 में, और उस सड़क की हालत बहुत जर्जर है, महिलाएं और बच्चे वहां गिरते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। तो फिर स्थितियां कैसे बेहतर होंगी? दावे बहुत सारे किए जाते हैं सड़कों को लेकर के कि हम जो सड़कें देंगे वो नेशनल हाईवे जैसी होंगी और स्थिति ऐसी है कि इस पे पैदल इंसान ना चल सके, तो स्थितियां कैसे बेहतर होंगी? स्थितियां ऐसे बेहतर होंगी लेकिन ठेकेदारी और उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता लाई जाए, थोड़ा अधिकारियों को टाइट किया जाए, कर्मचारियों को टाइट किया जाए, मौके पर जाके उसकी गुणवत्ता को जांचे। गुणवत्ता से पहले तो महत्वपूर्ण है कि अधिकारी का ये कहना होता है कि हमने तो टेंडर निकाल दिया, हमारा काम खत्म। नहीं, अधिकारी का टेंडर निकालने का काम थोड़ी, अधिकारी का काम टेंडर निकालने के बाद उस प्रक्रिया को पूरा करना भी तो है। तो फिर इस बात के जवाब से अधिकारी नहीं बच सकते ना, वो प्रक्रिया को पूरी कौन करेगा? नहीं तो अधिकारी तो ये बोल देते हैं और जनप्रतिनिधि को फुर्सत नहीं होती है कि उजागर के इन चीजों के बारे में देखें। जनप्रतिनिधि का इसमें रोल क्या है? टेंडर प्रक्रिया में वो सड़क निर्माण में जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है। मणि जी, जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है। आप जब वोट मांगने जाएं तो आप हर चीज के दावे करें कि आप स्वच्छ पेयजल देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, सब चीज करें दावे, और आज आप ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का कोई रोल ही नहीं होता है सड़कों के लिए। समस्या को उठाने तक है, समस्या को वक्त तो वही समस्या को उठाने की जिम्मेदारी जो है, समस्या को उठाने की जिम्मेदारी ही तो है, समस्या को कोई उठाना ही नहीं चाहता। समस्या को जो हमारे यहाँ जो प्रॉपर समस्या है बयाना के लेके मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, और जगह की समस्या वो ठीक है वो जो समस्या, लेकिन बयाना के पर्टिकुलर जिस समस्या को लेके मेरी बात हो रही है उस समस्या को मैं कई बार लेके उठा चुका हूँ लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई भी प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही। तो समस्याओं को आपने उठाया, एक बार उठाया, दो बार उठाया, अगर स्थितियां बेहतर नहीं होंगी तो क्या हम हार कर बैठ जाएंगे? यानी जीत ना मिले तो हार करके बैठ गए? हम जन आंदोलन करेंगे, पब्लिक को साथ लेके बिल्कुल जो भी होगी वो सारी चीजें करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मणि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए। इस बीच हमारे साथ विष्णु दत्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विष्णु, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ब्यावर की सड़कें जो हैं वो तो माशाल्लाह कहें कि वहां पे पैदल चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हकीकत क्या है ब्यावर की सड़कों की? बिल्कुल अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की जितनी सड़कें हैं लगभग
शहर की 70% सड़कें बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। यहाँ पर सीवरेज के नाम पर पूरी जगह खड्डे खोद दिए गए, गहरे गहरे खड्डे बने हुए, उन सड़कों को आज तक वापस रिपेयरिंग का कोई काम नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक दूरभाष की लाइनों की बात है, दूरभाष के नाम पर लाइनें खोद दी गई हैं, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, आज तक नहीं खोदा, उनको वापस रिपेयर नहीं किया गया। इसी तरह से रिलायंस के लाइन डालने के नाम पर भी पूरी तरह से सड़क खराब कर दी गई है, जबकि ये सड़कें कुछ दिनों पहले तक काफी अच्छी स्थिति में थी, लेकिन ये पिछले एक साल के अंदर इन सड़कों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि यहाँ पर आम लोगों का आना जाना बड़ा दुर्बल हो गया है। बल्कि स्थिति इतनी और ज्यादा खराब हो रही है कि यहाँ पर जब कुछ पानी आनी नाले का पानी अगर इकट्ठा हो जाता है सड़कों पे, तो लोगों के कपड़े तक खराब होने की स्थिति नौबत आ जाती है। अभिषेक, तो विष्णु क्या वजह है कि इस तरीके के हालात हैं, और विभाग पीडब्ल्यूडी की अगर बात कर लें, अधिकारियों की बात कर लें, तो वो सभी अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं? मैं बताना चाहूंगा, नगर परिषद की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बदहाल स्थिति के अंदर है। नगर परिषद की तरफ से जो नगर परिषद का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो पूरी तरह से लापरवाह निकम्मा साबित होता जा रहा है। यहाँ पर सड़कों की स्थिति को देख पाने में वे असमर्थ है। बल्कि मैं तो ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ के नगर परिषद की इतनी स्थिति बदतर है कि वो खुद भी नगर परिषद का जब बरसात का पानी आता है तो वह भी पूरी तरह से लबालब भर जाती है, और नगर परिषद आधे हिस्से अब उसका पानी में डूबा रहता है काफी दिनों तक। इसके अलावा मैं ये जानकारी दूंगा कि गौरव पथ के नाम तक जो राज्य सरकार ने गौरव पथ बनाने की बात कही थी, लेकिन वो गौरव पथ आज तक पिछले दो सालों से पौने दो सालों से अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। किसी न किसी विभाग की कोई ना कोई अड़चन आने के कारण से वह अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। तो यानी कि हम एक तरीके से समझना चाहें विष्णु, तो हकीकत तो यही है कि चुनाव के पहले दावे सिर्फ आपको बहुत सारे किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें भूल जाएंगे। ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है, उन लोगों ने तो कहा था कि भाजपा सरकार के अंदर जिस तरह की जो वादे किए थे, जो विधायक ने अपने जीतने के पहले जो हमारे को आश्वासन दिया था कि इन सड़कों की स्थिति बहुत सुदृढ़ कर दी जाएगी, या इन सड़कों को और बना दिया जाएगा, नाली बना दी जाएगी, बिजली की व्यवस्था कर दी जाएगी, पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन इन सब। चलिए विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। सड़कों की स्थिति तो हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।